हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि मैं आपको बुलेट की जितनी मुझे नॉलेज है कम से कम वो तो दे सकूं। देखिए दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है, बताऊंगा आपको टॉपिक के बारे में, जिसका नाम क्रैंक। पिछले वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि क्रैंक चैम्बर के अंदर थी और कैसे प्ले करती है, तो मैंने इसको अब रिपेयर करा दिया। रिपेयर करा के देखिए, इसकी बिल्कुल भी साइड प्ले भी बिल्कुल ही बंद हो गई है लगभग। और इसको जब इसको खोला था हमने, तब ये ऐसे ऊपर से हथेली से चोट मारने पे, देखिए ऐसे हथेली से चोट मारे ऊपर, तो ठक 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 आवाज़ कर रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी। तो आपकी कोई भी टू व्हीलर है, तो आपकी कोई भी टू व्हीलर है, तो उसकी क्रैंक की पहचान क्या है? उसकी क्रैंक की पहचान है कि उसकी ये ऊपर नीचे की प्ले हो जाएगी। अगर वो ख़राब हो जाएगी, उसके अंदर का रोलर बैरिंग या कुछ कट जाएगा, तो ये ऊपर नीचे की तरफ प्ले देनी शुरू कर देगी, और वही ठक ठक की आवाज़ आपकी बाइक में आती है, जैसे नॉकिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा नॉकिंग होती है। तो इसका कारण यही, रीज़न यही होता है। तो इसको लेथ मशीन पर रिपेयर कराते हैं, जो भी है इसका अंदर डलता है, रोलर बैरिंग वगैरह उसमें डलते हैं। तो दोस्तों, किसी भी बाइक की, आपके टू व्हीलर की क्रैंक है, तो उसकी यही पहचान है कि उसके अंदर ऐसी प्ले नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान रखिए, कभी भी आपकी कोई भी स्कूटर या कोई भी बाइक, कोई भी छोटी टू व्हीलर की बाइक भी है, मैं आपको रॉयल एनफील्ड 500 की बाइक का दिखा रहा हूँ, तो इसमें ऊपर नीचे की प्ले बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो की नॉलेज कैसे लगी? प्लीज़ लाइक करके बताइए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए।